हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग नेस्ट। दिस इज मानवी धीवर, अ सर्टिफाइड डीएमआईटी प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीएमआईटी फिंगरप्रिंट टेस्ट क्या है और वो बच्चों के फ्यूचर और ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम डीएमआईटी टेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, डीएमआईटी टेस्ट के 12 मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रेजेंट है और उनका परसेंटेज कितना है। अगर कोई बच्चा लॉजिकल है, इसका मतलब वो मैथ्स और साइंस में इंटेलिजेंट है। अगर कोई बच्चा लिंग्विस्टिक है, इसका मतलब वो लैंग्वेज बोलने में तेज है। अगर बच्चे का इंट्रापर्सनल अच्छा है, इसका मतलब वो अपने बारे में बहुत कुछ जानता है। और अगर बच्चे का इंटरपर्सनल अच्छा है, इसका मतलब वो दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ जान लेता है। अगर बच्चे का किनेस्थेटिक अच्छा है, इसका मतलब वो फिजिकली बॉडीली एक्टिव है। और अगर बच्चे का विजुअल अच्छा है, इसका मतलब उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर कोई बच्चा म्यूजिकल है, इसका मतलब उसका म्यूजिकल सेंस अच्छा है। वो बच्चा एक रिदम या एक टोन में बात करता है। अगर किसी बच्चे का नेचुरलिस्टिक अच्छा है, इसका मतलब वो बच्चा नेचर के बहुत करीब है। तो ये जितने भी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, इनके बेसिस पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में मोस्टली 2 ही करियर ऑप्शंस में लोग जाते हैं, वो है इंजीनियरिंग या मेडिकल। लेकिन मोर देन 2000 करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। दूसरा बेनिफिट है ब्रेन डोमिनेंस। हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव और इमोशनल होता है। थर्ड बेनिफिट है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल 3 तरह की होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। अगर बच्चा विजुअल लर्नर है, तो उसे चीज़ें दिखा दिखा के पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऑडिटरी है, तो उसे सुना सुना के और बोल बोल के पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कैनेस्थेटिक है, तो उसे खुद प्रैक्टिस करके पढ़ना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं करेगा, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। फोर्थ बेनिफिट है पर्सनैलिटी टाइप। ये टेस्ट हमें बताता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी ईगल पर्सनैलिटी है या पीकॉक पर्सनैलिटी है या डव पर्सनैलिटी है या कि आउल पर्सनैलिटी है। ईगल पर्सनैलिटी वाले बहुत ही बोल्ड और डोमिनेंट होते हैं। पीकॉक पर्सनैलिटी वाले लव टू टॉक होते हैं। आउल पर्सनैलिटी वाले लॉजिकल और वाइज होते हैं। डव पर्सनैलिटी वाले पीपल ओरिएंटेड होते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी टाइप से हमें पता लगता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस तरह के पर्सनैलिटी को कैसे डील करना चाहिए। डीएमआईटी टेस्ट का जो 5th बेनिफिट है, वो है रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी। ये काम आता है मैरिज कंपेटिबिलिटी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। जब हम कंपेटिबिलिटी का पता लगाते हैं, तो हम ये पता लगाते हैं कि फर्स्ट पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है और सेकंड पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। और अगर ये दोनों पर्सनैलिटीज एसोसिएट होंगी, तो बेनिफिट होगा या लॉस। 6th बेनिफिट है ब्रेन लोब्स। हमारे ब्रेन में 5 लोब्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीफ्रंटल, सेकंड होता है फ्रंटल, थर्ड होता है पराइटल, फोर्थ होता है टेम्पोरल और 5th होता है ऑसिपिटल। इन सब लोब्स के अलग अलग काम होते हैं। इस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि ब्रेन का कौन सा लोब सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा लोब सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है। 7th बेनिफिट है एक्वायरिंग स्टाइल। फ्रेंड्स, 4 तरह की एक्वायरिंग स्टाइल्स होती है, जैसे कि सेल्फ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, रिवर्स थिंकर।
अगर हमें बच्चे का एक्वायरिंग स्टाइल पता चल जाए तो उसी के हिसाब से बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। 8th बेनिफिट है क्वेश्चंस। पहले के ज़माने में अगर किसी बच्चे का आईक्यू अच्छा होता था तो उसे इंटेलिजेंट समझा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में आईक्यू के साथ साथ बच्चे का CQ दैट इज़ क्रिएटिविटी क्वेश्चंट, EQ दैट इज़ इमोशनल क्वेश्चंट और AQ दैट इज़ एडवर्सिटी क्वेश्चंट, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। ये टेस्ट आपको बताता है कि बच्चे के अंदर कौन सा क्वेश्चंट कितना परसेंट है। 9th बेनिफिट है सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिलेक्शन। ये बहुत ही यूज़फुल है। हमें 10th के बाद 12th के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से स्ट्रीम या कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। DMIT से आप अपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन ईजिली कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि बच्चे को कौन से स्ट्रीम या कौन से सब्जेक्ट में आगे जाना चाहिए, कंप्यूटर्स में जाना चाहिए या मैथ्स में, या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनमें से कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। 10th बेनिफिट है एक्टिविटी। बच्चे को किस एक्टिविटी में जाना चाहिए, साइकिलिंग में जाना चाहिए, कुकिंग में जाना चाहिए, म्यूजिक में जाना चाहिए, डांस में जाना चाहिए। DMIT टेस्ट बताता है कि बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से उसे किस एक्टिविटी में जाना चाहिए। 11th बेनिफिट है डिपार्टमेंट सूटेबिलिटी। ये कंपनीज के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि जिस कैंडिडेट या एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जा रहा है उसे किस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए, एडमिन में डालना चाहिए या फिर परचेस में डालना चाहिए, सेल्स में डालना चाहिए, ऑपरेशंस में डालना चाहिए, उसे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जैसे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का ही फायदा हो। 12th बेनिफिट है प्रोफेशनल करियर। बहुत ही यूजफुल बेनिफिट है। स्टूडेंट को बच्चे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, उसे बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, जॉब में सेल्स या मार्केटिंग में जाना चाहिए, HR में जाना चाहिए, प्रोडक्शन में जाना चाहिए, परचेस में जाना चाहिए या ऑपरेशंस में जाना चाहिए। तो ये 12 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमें DMIT टेस्ट से पता चलते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको DMIT के सारे बेनिफिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।